ओके स्टूडेंट्स, आज जो हमारी क्लास है वो क्लास है जुलाई के पेपर्स को लेकर। आप लोगों को जुलाई 2018 में जो ट्रिपल सी के पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस मेरे को व्यूअर्स ने ही दिए हैं और अलग अलग जगह से जिन लोगों ने पेपर सॉल्व किया है उन लोगों ने ये क्वेश्चंस भेजे थे, इसीलिए कुछ ने 10 क्वेश्चन भेजे, कुछ ने 15 क्वेश्चन, इस तरह करके अच्छा खासा क्वेश्चंस का कलेक्शन हो गया। जिसने क्या कौन से क्वेश्चंस इस बार आए हैं जुलाई के पेपर्स में उसके लिए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप लोग नए हैं यूट्यूब में तो आप लोग यूट्यूब खोल कर मेरे नाम से सर्च कर लें और आप लोगों को एक चैनल प्रोवाइड हो जाएगा। आपको कभी भी कोई भी वीडियोस देखना होता है तो उस चैनल में जाइए और उस चैनल की प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, इससे आपको आसानी हो जाएगी। प्लेलिस्ट में फ़ायदा ये रहता है कि आपको चैनल में जितने भी वीडियोस हैं वो सीक्वेंस वाइज मिलेंगे, तो आपके फ़ोन में भी प्लेलिस्ट दी रहती है, आप अपने प्लेलिस्ट को क्लिक करिए। अब आपको यहाँ पे ओ लेवल ट्रिपल सी और इससे जुड़े हुए काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐड होंगे, तो आपको बता दें आप लोग जो प्लेलिस्ट फॉलो करने जा रहे हैं वो ट्रिपल सी के नाम से आपको अवेलेबल मिल जाएगी। देखिए, मैंने इसमें अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी हैं। ये M1 जो है ओ लेवल्स की है, ये है आपके ट्रिपल सी की प्लेलिस्ट। इस ट्रिपल सी की प्लेलिस्ट को आप लोग क्लिक करिए तो आप लोगों को ट्रिपल सी के सारे 1, 2, 3, 4 करके वीडियोस दिखाई देंगे और इन्हीं को आप लोग सीक्वेंस में पढ़ना शुरू करिए। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, इसके प्रॉपर नोट्स भी बनाने हैं। मैंने इसको सीक्वेंसली मैं अरेंज कर दिया है। देखिए, यहाँ पे दिया गया है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला क्वेश्चन है, पार्ट टू है, फिर ये हैं सारे इस तरीके से। अगर आपको सीक्वेंस में कोई क्वेश्चन मिस मिलता है तो आप व्हाट्सएप से मेरे से नए पूरे, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, सारे क्वेश्चंस नहीं ऐड हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे पार्ट वन है, पार्ट टू है और फिर पार्ट एट है। बीच के जो पार्ट्स हैं वो पेड वीडियोस में हैं, तो पेड वीडियो सभी के लिए नहीं है, इंस्टीट्यूट वाले पर्सन्स के लिए हैं या जिन्होंने पेमेंट की है उनके लिए हैं। तो आप लोगों के व्हाट्सएप पे सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से इसको बचे हुए वीडियोस भी पूरे फिनिश करिएगा। अब आज के पेपर को हम लोग देखते हैं जो आज क्या क्या पेपर्स में है, एक एक करके देखिए। आप लोग प्रॉपरली उसे लिखते भी रहिए और साथ ही साथ अपने नोट्स और मैं जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा उससे जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चंस भी ऐड होंगे। ये क्वेश्चन है, बैंक ड्राफ्ट कौन जारी करता है, बैंक ड्राफ्ट मांग ड्राफ्ट कौन जारी करता है, प्राइवेट सेक्टर्स के लोग या गवर्नमेंट सेक्टर के या दोनों। अब आपको बता दें, ये बैंक से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं, भले वो बैंक के कोई भी क्वेश्चंस हों, उसके लिए एक सिंपल सी पीडीएफ आपको दी जाएगी। उस पीडीएफ में लगभग मान के चलिए कि 100 से आसपास क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप लोग बस सॉल्व कर लीजिए। इसमें ये सारे के सारे चीज़ें हैं, ये छोटी बड़ी चीज़ें जितनी भी हैं वो सब उसमें अवेलेबल हैं। तो मैं आपको एक बार जल्दी जल्दी वो दिखा देता हूँ तो आपको आसानी रहेगी कि क्या क्या है, किस तरह के बैंक से जुड़े क्वेश्चंस आते हैं। आपको बता दें, 4 से 5 क्वेश्चंस बैंकिंग और इंश्योरेंस के रहते हैं ट्रिपल सी में, और वो बहुत ईजी होते हैं, आसानी से स्कोर किए जा सकते हैं। जैसे पूछा जाता है नॉमिनेशंस कौन से खाते में किया जा सकता है, सेविंग या करंट या सब में। पूछा जाता है कि 10 रुपये के नोट में सिक्योरिटी थ्रेड होता है कि नहीं होता है, या पूछा जाता है कि जनरल इंश्योरेंस किसके लिए होता है, मवेशियों के लिए या इंसानों के लिए। इस तरह के बहुत ही सिंपल से प्रधानमंत्री जनधन योजना के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हम लोगों को ये क्वेश्चंस पूरा एक्सप्लेन या डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। मैंने जो क्वेश्चंस फिल्टर करके दे दिए हैं बस उन्हीं में से ही आपको आ जाएंगे। तो देख लीजिए कौन कौन से हैं, आप लोगों को ये क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये सिंपल से बैंक से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, बहुत इसमें लिखा है हमें अपनी बचतों यानी सेविंग को बैंक में रखना चाहिए क्योंकि वो सुरक्षित होती हैं, ब्याज मिलता है, किसी भी समय निकाली जा सकती हैं, या सभी, जाहिर है सभी हमारे बैंकों में हम पैसा रखते हैं क्योंकि हमें वहाँ ब्याज भी मिलता है, सुरक्षित भी रहती हैं। ATM पासवर्ड केवल किसको बताना चाहिए, पत्नी, पति, आज्ञाकारी, पुत्र, पुत्री, कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है कोई भी नहीं। KYC का अर्थ क्या है, KYC को इंग्लिश में कहते हैं नो योर कस्टमर, कस्टमर को पहचानना, उसका चरित्र, दोनों, कोई भी नहीं, तो कस्टमर को पहचानना ही KYC होता है। तो आपको ये आसानी से समझ आ जाएंगे, इसमें कुछ खास नहीं है, बस इसको आप प्रॉपरली एक बार पढ़ लीजिए और कुछ नहीं है। और मैं ये फाइल के नीचे इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं तो आप लोग ये आंसर्स भी देख लेंगे तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगे, इतना सफिशिएंट है। और इसमें आपके कम से कम 4 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये बहुत ईजी है। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसको भी अगर देख लें तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें रिपीट हो जाएंगे। दिखा देते हैं कैसे वीडियोस मिलेगा, आप लोग उसको अपनी कॉपीज़ में सिक्वेंशियली देख लीजिए।
जब आप चैनल में रहते हैं, ये YouTube के लिए ओपन है, कोई भी आदमी देख सकता है। आप चैनल में जाके जब सब्सक्राइब करके उसमें लॉगिन करते हैं इस तरीके से, मैंने आपको बताया कि लॉगिन करने के बाद या चैनल में आने के बाद सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं। जब आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो प्लेलिस्ट में आप लोगों को ये सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप दिखाई देते हैं। आपको मैं चार वीडियोस पहले बता दूं कि जो जाते ही अभी आप पढ़ लीजिएगा, और वो चार वीडियो ये हैं। आप लोग अगर इसको आखिरी से देखेंगे तो इसमें आप लोगों को काफ़ी सारे वीडियोस दिखाई देंगे, इन्हीं में से ये वाले, ये हैं वो चार वीडियोस जिसमें दिया गया है। सिर्फ इस वीडियो से आपका ट्रिपल सी एग्ज़ाम पास हो जाएगा। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और कोर पार्ट हैं ट्रिपल सी के एग्ज़ाम्स के लिए। इनको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये थर्ड और फोर्थ वाले को जब आप देखेंगे तो इसमें मैंने बैंकिंग और इंश्योरेंस के सभी क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अगर आपके पास पीडीएफ नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये थर्ड एंड फोर्थ वाले को आप लोग क्लिक करिएगा और ये इससे जुड़ा हुआ सारे के सारे आपको बैंकिंग और इंश्योरेंस से मिल जाएगा। फोर्थ फिफ्थ भी है, पांचवा वाला भी देख लीजिएगा। अब आप लोगों को दिखा दें क्या क्या है इसमें। देखिए, मैंने इसमें सारे बैंक से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सबको एक एक करके डिस्कस किया है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी इनको। और आप लोगों को अभी मैं व्हाट्सएप पर भेज भी दूंगा पूरा का पूरा पीडीएफ। तो अगर आपके पास इन केस वीडियोस में आपको याद करने में दिक्कत हो रही है तो पीडीएफ से आप बड़े आराम से कर पाएंगे। तो ये पोर्शन तो कंफर्म हो गया, बैंकिंग वाला क्लियर हो गया सभी को। चलिए आगे के क्वेश्चंस पे शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अगला टॉपिक है सीआरटी। सीआरटी मॉनिटर में लेयरिंग किसकी होती है, आपको एक बता दें। आप लोग जो नॉर्मल मॉनिटर्स अभी आप देखते हैं, जिस पर आप पहले से शुरुआत करते हैं, जो हमारे पास पुराने मॉनिटर्स हुआ करते थे उनको हम लोग सीआरटी मॉनिटर्स कहा करते थे। पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब, आप लोगों को फोटोज़ में क्लियर हो जाएगा। देखिए ये वाले मॉनिटर्स, ये मॉनिटर्स हम लोगों के सीआरटी मॉनिटर्स कहलाते थे। सीआरटी का मतलब कैथोड रे ट्यूब। अगर आपने सीआरओ पढ़ा हो तो आपको ये आसानी से और समझ आ जाएगा कि इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है। सीआरटी मॉनिटर्स के काम करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है, देखिए इस डायग्राम में आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ये काफ़ी हद तक वैसा ही है जैसे आप लोगों ने सीआरओ कैथोड कंपनदर्शी करके जो पढ़ा हुआ है। ये सामने की फ्रंट स्क्रीन है जिसको हम लोग देखते हैं, और ये पीछे का, ये पूरी की पूरी पिक्चर ट्यूब कहलाती है। और इसमें ये जो पीछे का आपका पोर्शन है इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक तरह से कैथोड रहता है जिससे कि बहुत ही, जब वो इग्नाइट करता है यानी कि गर्म होता है तो उससे फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन आते आते आकर इस पर गिरते हैं, स्ट्राइक करते हैं। पीछे से एक तरह से बौछार होती है इलेक्ट्रॉन्स की, सेम प्रिंसिपल वैसा ही है। इसमें हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल प्लेट्स होती हैं, ये हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल प्लेट्स डिसाइड करती हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को किस दिशा में भेजना है, टॉप में, लेफ्ट में, राइट में। और यहाँ पर आप लोगों के बहुत ही सारे इलेक्ट्रॉन्स का एक तरह से कह सकते हैं बौछार होती है, और एक स्क्रीन तैयार होती है, इसे कहते हैं रास्टर, रास्टर। अब ये जो स्क्रीन्स होती हैं, इस स्क्रीन्स में आप लोगों को ये छोटी छोटी ब्लैक एंड वाइट बिंदियों में दिखाई देती है। कभी आप देखिए पुरानी टीवीज जो हुआ करती थी, जब लाइट या यूं कहिए सिग्नल चला जाता तो हम कहते थे मच्छर आ गए। तो बेसिकली कुछ नहीं था, उसमें कोई सिग्नल नहीं मिला तो इलेक्ट्रॉन्स आके रैंडमली गिरते थे स्क्रीन पर। और आपको ये भी बता दें कि जो कलर्ड होती हैं, कलर्ड टीवी होती हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आप लोगों के तीन कलर्स को फॉलो करते हैं, जिसे आप लोग कहते हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू, RGB, ये प्राइमरी कलर्स होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स आकर आगे गिरेगा और अगर रेड वाले पॉइंट पे गिरेगा, यानी कि रेड वाले पार्ट पे गिरेगा स्क्रीन का, तो आपके स्क्रीन पर रेड डॉट्स बनना शुरू हो जाएंगे। ग्रीन पे गिरेगा तो ग्रीन डॉट्स, ब्लू डॉट्स, अगर दोनों को मिला दिया जाए, जैसे रेड एंड ब्लू को मिला दिया तो चॉकलेट टाइप का डॉट्स आ जाएगा। और इसी डॉट्स से मिल मिलकर आप लोगों की पूरी पिक्चर तैयार होती है। कभी भी आप किसी फोटो को बहुत ज़्यादा एनलार्ज कर दीजिए तो उस फोटो में आपको छोटी छोटी बिंदियाँ दिखने लगेंगी। उन बिंदियों को ही हम लोग स्क्रीन की, उन बिंदियों को हम लोग कहते हैं पिक्सल।
और ये पिक्सल जितने ज़्यादा कंडेंस होंगे, जितने ज़्यादा घने होंगे, उतने ही अच्छे रिजोल्यूशन की फ़ोटो बनेगी। इसीलिए आप लोगों की आजकल जो भी HD TVs आ रही हैं या आपकी नॉर्मल TV से बढ़िया जो रिजोल्यूशन की TV रहती हैं, तो उसमें पिक्सल क्वालिटी बढ़ा दिया जाता है। तो ये एक सिंपल सा प्रिंसिपल होता है आपके पिक्चर ट्यूब के काम करने का। अब ये जब आकर आगे फोकस करती हैं या फिर जो रास्टर है उस पर आके गिरती हैं स्क्रीन पर, तो आपके इसमें अपने आप लाइट एल्यूमिनेट होती है, लाइट चमकती है, क्योंकि इसके अंदर फॉस्फोरस की कोटिंग होती है। और उस फॉस्फोरस की कोटिंग पे जब इलेक्ट्रॉन बीम आके गिरती है तो वहाँ पर एक चमक पैदा होती है, छोटी सी बिंदी पैदा होती है जिसमें रोशनी होती है, चमकीली बिंदी। जितनी तेज़ रफ्तार में फॉस्फोरस गिरेगी उतनी ही ज़्यादा लाइट या ब्राइट स्पॉट बनेगा। तो उससे हमारे पास कलर्स के 256 शेड्स तैयार हो जाते हैं। अब आप खुद सोचिए कि जो ब्लैक एंड वाइट TV थी तो उसमें ब्लैक तो होता ही नहीं है, कोई कलर था ही नहीं उसमें, जब कुछ ऑफ है तो ब्लैक है। लेकिन जब वाइट आया तो वाइट कलर आके जब यहाँ पे आके गिरे तो एक वाइट स्पॉट बन गया। तो जहाँ पे स्पॉट नहीं गिरा वो ब्लैक, और जहाँ पे स्पॉट बना वो वाइट। तो ब्लैक एंड वाइट TV को हम ब्लैक एंड वाइट कहते भी नहीं है। कभी भी किसी बुक्स में देखेंगे तो वहाँ ब्लैक एंड वाइट नहीं लिखा मिलेगा, उसमें लिखा मिलेगा मोनोक्रोम। मोनोक्रोम वर्ड का मतलब होता है एक कलर वाला, क्योंकि उसमें सिर्फ एक कलर होता है और वो होता है वाइट। अगर कुछ नहीं है, डेड है, तो ब्लैक तो है ही वो। लेकिन आप लोग खुद भी सोचिए, वाइट के लगभग 256 शेड्स होते हैं, हल्का वाइट, डार्क वाइट और डार्क वाइट, इस तरीके से ब्राइट। तो वो पिक्चर्स हमारे पास एक पूरी की पूरी वैसे ही लगती है जैसे कि आप लोगों की फ़ोटोकॉपी कराते हैं। लेकिन कलर्ड जब होता है तो कलर्ड में आपको पता ही है कि 256 शेड्स होते हैं एक कलर के, और आपके पास R भी है, G भी है और B भी है, रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर्स हैं। तो रेड ग्रीन एंड ब्लू का मतलब हो गया कि आपके पास रेड के 256 शेड्स होंगे, ग्रीन के भी 256 शेड्स होंगे और ब्लू के भी 256 शेड्स होंगे, यानी कि 256 की पावर 256 की पावर 256, इतने कलर कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएंगे और ये लगभग 16 मिलियंस के आसपास होंगे। तो हमारे पास कलर क्वालिटी बहुत बढ़िया बन जाती है। तो आई थिंक आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास ये जो टॉपिक था सिंपल सा था कि आप लोगों के मॉनिटर्स में किसकी लेयरिंग होती है। नेक्स्ट, अगर इसी को थोड़ा सा और अपग्रेड कर दिया जाए तो CRT मॉनिटर से बढ़िया जो आजकल आपको दिखाई देते हैं उनको हम लोग कहते हैं LCD मॉनिटर्स। LCD जिसका पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब LCD को लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्यों कहा गया है? कारण ये है क्योंकि LCD मॉनिटर्स में एक्चुअली अंदर एक लिक्विड होता है। अगर मैं इसका टेक्निकल डायग्राम दिखाऊं, LCD का टेक्निकल डायग्राम देखते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें लिक्विड होता है। ये पहले के समय का, काफ़ी सारे यूँ कहिए कि जो पुराने मोबाइल्स थे आप उसमें भी देख सकते हैं जिनकी LCD स्क्रीन हुआ करती थी। तो पुराने मोबाइल्स में आप लोगों का होता क्या था, अगर उस स्क्रीन को आप उंगली से ज़ोर से दबाएं तो ज़ोर से दबाने के बाद आप लोगों को उसके अंदर लिक्विड फ्लो करता हुआ समझ आता होगा। आप लोग अपने घर में भी जिनके पास आज से 4-5 साल पहले की TV LCD वाली, उसकी स्क्रीन को ऐसे ज़ोर से दबाइए तो ऐसा लगेगा पीछे का लिक्विड हिलडुल गया। तो वो कलर्स फैलते हैं, आज कुछ नहीं है। देखिए बाहर के समय ये LCD का एक लेयर्स दिखा रहा है। LCD में बाहर की तरफ एक पूरी शीशे की लेयर बनी रहती है, पॉलीमर पॉलिस्टर होता है वो, और अंदर ग्लास लगा होता है। उसके बाद थर्ड लेयर आपको लिक्विड की दिखाई दे रही है। ये लिक्विड है जिसको पीछे से बैक लाइट से उसको ऊपर एक तरह से उसको गर्म किया जाता है और उससे वो कलर एल्यूमिनेट करता है, पैदा करता है। और जब कभी आप उंगली से प्रेशर करते हैं तो स्क्रीन पर होने वाले जो कलर्स की एक तरह से परत होती है वो हिलडुल जाती है, तभी आपको वहाँ पर लाल, पीले, नीले इस तरह के कलर्स दिखाई देने लगते हैं। तो इसीलिए इसका नाम बना है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसको भी अपडेट कर दिया गया और अब आपके पास आ गया LED। और LED में टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। LED को कहा गया लाइट एमिटिंग डायोड। तो LED में कंसेप्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। LED एक प्रकार के छोटे से बल्ब को कहती है। ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा LED बल्ब, लेकिन ये साइज़ में बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, बिल्कुल छोटे छोटे, यूँ कहिए कि इतने छोटे होते हैं कि आपके स्क्रीन पर जो छोटी सी बिंदी होती है, जो आपको बहुत ही बारीक से अगर पास में जाके देखें तो वो एक LED होती है और आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। तो ये अगर आपके सामने एक पूरी LED स्क्रीन है तो एक छोटे से पॉइंट को देखा जाए तो एक छोटी सी बिंदी आपकी LED का ही काम करती है।
कभी आपने लैपटॉप या कहीं पे देखा होगा, कभी कभार मॉनिटर्स में भी दिखाते हैं कि गड़बड़ हो जाती है तो उसमें एक पतली सी लाइन बनकर आ जाती है वाइट कलर की, हॉरिजेंटल या वर्टिकल। बेसिकली उधर की एलईडी फ्यूज हो चुकी होती है तो उसके कारण वो लाइन डेवलप होती है। तो वो एलईडीज जो हैं, वो एलईडीज बेसिकली कुछ खास नहीं, आप लोगों की एक छोटा सा डायोड है और इसमें एनोड कैथोड होता है। जब करंट पास होता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बीम ट्रांसफ़र होती है तो यहाँ से रोशनी पैदा होती है। और ये भी तीन तीन के कॉम्बिनेशन में बनाई जाती है, रेड ग्रीन एंड ब्लू। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग बाइक्स में एलईडी लाइट लगा लेते हैं रेड कलर की, घर में भी लगी रहती है। आजकल तो एलईडी की ट्रे टाइप की भी आती है, चिपका लेते हैं तो आपके एक तरह से डोप लाइट बन जाती है, लोग घर में लगाते हैं। तो रेड ग्रीन एंड ब्लू का कंसेप्ट वही है, आरजीबी कलर्स में एलईडीज लगाई जाती हैं। अगर रेड कलर की एलईडी जली सारी तो उस जगह का पोर्शन रेड हो जाएगा पूरा, अगर रेड एंड ब्लू कलर की जली तो चॉकलेट कलर का हो जाएगा, अगर रेड एंड ग्रीन या फिर उस तरह का। तो आप लोगों के पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना लिए जाते हैं। लेकिन इन एलईडीज में एक प्रॉब्लम और भी होती है कि एलईडीज फ्यूज़ हो सकती हैं। वैसे तो नॉर्मली नहीं होता, लेकिन बहुत सारी जगह पे आप लोगों का मान लीजिए कि कोई प्रेशर पड़ा, कभी कभी देखा होगा कहीं कहीं मॉनिटर्स में लोगों के कोई ज़ोर से धक्का पड़ गया तो उस जगह कहीं आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर जब कभी गिर जाता है फ़ोन तो उतनी जगह का ब्लैक स्पॉट बन जाता है। तो ब्लैक स्पॉट जो बन गया बेसिकली कि उस जगह के पोर्शन में एलईडी फ्यूज़ हो गई। अब फ्यूज़ हो गई तो वहाँ तो कोई लाइट आएगी नहीं, तो वो काला रह जाएगा पोर्शन और वो ठीक भी नहीं हो सकता क्योंकि वो इतनी पतली और छोटी एलईडीज होती हैं माइक्रोन्स में कि उनको आप रिपेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए डिस्प्ले चेंज करना पड़ता है। अब ये सोचने वाली बात है कि जितनी ज़्यादा एलईडीज होंगी आपकी टेलीविजन्स या मॉनिटर्स में उतनी पिक्चर क्वालिटी कम होगी या अच्छी होगी। जाहिर है अच्छी होगी क्योंकि उतने ज़्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे। और इसीलिए आज की डेट में अगर आप लोग एचडी टीवी खरीदने जाते हैं तो आप ये ज़रूर देख लीजिए कि उसका पिक्सल रिजोल्यूशंस कितना है, और मॉनिटर्स का और एचडी का किसी का भी पिक्सल रिजोल्यूशंस उसके ऊपर लिखा रहता है। आप लोग इसको ऐसे चेक भी कर सकते हैं, आप लोगों को मैं एक डायग्राम से दिखाता हूँ तो एचडी और नॉर्मल उसमें स्क्रीन्स पे दिख जाएगा। एचडी एंड स्टैंडर्ड ये डायग्राम अपने में परफेक्ट है, ये आपको पूरी हेल्प करेगा समझने के लिए एक्चुअली टेक्नोलॉजी कैसे है। पुराने समय में हमारे पास स्टैंडर्ड डिस्प्ले हुआ करता था, उसमें आप लोग नीचे देख रहे होंगे 720x576 पिक्सल्स हैं, तो आपको समझ आ गया कि इसमें इतने पिक्सल होते हैं। अब जाहिर है कि पिक्सल क्वालिटी नहीं बढ़ाई जा सकती। अब मान लीजिए आप लोग टीवी बड़ी खरीदते हैं, अगर टीवी का डायमेंशन जो होता है वो डायगनल नापा जाता है, 17 इंच की है, 21 इंच की, अगर आपने 32 इंच की टीवी खरीद ली तो टीवी तो उतने ही पिक्सल दिखाएगी 720x576, तो आपके वो पिक्सल के पॉइंट्स मोटे मोटे हो जाएंगे। तो जितनी बड़ी टीवी होगी उतनी क्वालिटी ख़राब लगेगी पास से देखने में, तभी छोटे रूम में बड़ी टीवीज नहीं लगाई जाती। अब आप लोगों ने उसकी जगह अच्छी टीवी ले ली एचडी, तो एचडी में आपको दिखने लगा कि 1280x720 पिक्सल्स हो जाएंगे। आपने फुल एचडी ले ली, अब एचडी में भी बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि एचडी में भी कहीं कहीं दुकान वाले एचडी रेडी कहते हैं और एक कहते हैं फुल एचडी। एचडी रेडी पहले वाली है 1280 है वो एचडी, लेकिन फुल नहीं है। फुल एचडी 1920x1080 की है। और आजकल आप लोगों ने देखा होगा एचडी के बाद क्वाड एचडी और 4K टेक्नोलॉजी आ गई है। 4K टेक्नोलॉजी में रिजोल्यूशन देखिए 4096x2160 इतने पिक्सल्स हैं। अभी इंडिया में 4K टेक्नोलॉजी का रिसेप्शन शुरू नहीं हुआ है। आप लोग 4K टीवी खरीद भी लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इंडिया में 4K टेक्नोलॉजी के अभी रिसेप्शन ही नहीं आते, चैनल्स ही नहीं आते। हमारे यहाँ फुल एचडी चैनल सपोर्टेबल है, लेकिन अगर आप मूवी देखते हैं 4K में तो आप नेट से उसकी अलग से फाइल डाउनलोड करके 4K में देख सकते हैं। तो 4K टेक्नोलॉजी आगे की फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, और आपको अब डिफरेंस समझ आ रहा होगा एचडी, फुल एचडी और क्वाड में। आप अपने मॉनिटर्स में चेक भी कर सकते हैं रिजोल्यूशंस कैसे देखना है। तो बहुत ही सिंपल है, खाली जगह पे माउस का राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करते ही यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है स्क्रीन रिजोल्यूशन। स्क्रीन रिजोल्यूशन पे जाइए और देखिए ये वो जगह है जहाँ पर आपको आपके टेक्नोलॉजीज़ के आपके मॉनिटर कहाँ तक सपोर्ट करता है वो दिखता है। मेरा मॉनिटर फुल एचडी का है इसलिए 1920x1080 तक चला जाएगा। क्लियर हुआ? तो आप लोग अपने घर के मॉनिटर्स को चेक कर सकते हैं कितना मैक्सिमम सपोर्टेबल है, एचडी पे है कि नहीं है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, आप लोग इसके नंबर ऑफ़ रिजोल्यूशंस ज़रूर लिख लीजिए, ये फ्यूचर में भी काम आने वाले हैं।
नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और वो है हमारे पास इंटरनेट को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, www नियमों का सेट और सर्च इंजन। अब ये अपने में सब अलग अलग वर्ड है, वैसे इंटरनेट को चलाने के लिए आपको ये सारी चीज़ें नहीं, आपको जो चाहिए वो आपको पहले बता दें। इंटरनेट को रन करने के लिए बहुत सिंपल सा है, आपके घर पे होना चाहिए एक पर्सनल कंप्यूटर पीसी। अगर पीसी नहीं है तो आप अपने फ़ोन पे नेट चला सकते हैं, कोई भी एक ऐसा डिवाइस। आपके पास होना चाहिए मॉडम, मॉडम यूएसबी हो, डायल अप हो, ब्रॉडबैंड हो, जीपीएस, आरएस हो, कुछ भी हो। आपके पास फ़ोन पर मॉडम इनबिल्ड होता है, इसलिए हमें फ़ोन पे नेट चलाने के लिए अलग से मॉडम नहीं लगाना पड़ता, अन्यथा आप लोग लैपटॉप या डेस्कटॉप पे मॉडम लगाते हैं। आपके पास होना चाहिए ब्राउज़र, ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पर आप नेट रन कराते हैं, जो कि वेब पेजेस को सपोर्ट करता है। आपके फ़ोन पे भी रहता है क्रोम, ओपेरा, ये सारे ब्राउज़र्स हैं। आपको नेट चलाने के लिए लेना पड़ता है एक ISP कनेक्शन, जिसे आप कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपके घर पे आप जो भी सिम यूज़ करते हैं, जियो हो गया, आइडिया हो गया, वोडाफोन हो गया, वो सब ISP हैं। तो इंटरनेट चलाने के लिए आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, जिनकी मदद से आप एक नेट कंटिन्यू कर सकते हैं। फ़ोन में आपके पास डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन में इनबिल्ड मॉडम होता है, फ़ोन में ब्राउज़र आप लोग प्ले स्टोर से इंस्टॉल भी कर लेते हैं, और फ़ोन में जो सिम है वही आपकी ISP का काम करती है। अगर आपने इंटरनेट पैक ऑन करवा लिया है या उस पर एक्स्ट्रा रिचार्ज करा लिया तो नेट पैक का यूज़ होता है, वरना आपकी टॉक वैल्यू से उसके पैसे कटते हैं। तो नेट के लिए तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन इसके सिवाय भी अब अगर टेक्निकल बात करें तो इंटरनेट कैसे काम करता है। तो इंटरनेट पर आप लोग कोई भी चीज़ जब रन करते हैं तो नेट पर डेटा एक जगह से आपके दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है इंटरनेट पर, लेकिन इसके लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके नेट के आगे लिखे रहते हैं, जिसको हम HTTP कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आप कोई भी वेबसाइट अगर आप खोलते हैं तो उस वेबसाइट के आगे www के पहले HTTP भी लिखा रहता है। देखिए मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाता हूँ, और आप लोग देख रहे होंगे ये जो स्क्रीन पर लिखा गया है ये वेबसाइट का एड्रेस है, इसको हम लोग URL भी कहते हैं, पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और ये किसी भी वेबसाइट को लिखने के लिए आपको ऊपर टाइप करना पड़ता है। अगर आपको URL किसी वेबसाइट का नहीं पता तो आप उस वेबसाइट को नहीं खोल पाएंगे, और नहीं पता तो आप सर्च इंजन से ढूंढते हैं, गूगल से ढूंढते हैं, बिंग से ढूंढते हैं, याहू से ढूंढते हैं, तो वो कंपनीज़ आपको सर्च करके बताती हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ के ये URL हैं। वेबसाइट मिलते ही आप अगर चेक करें तो पहले HTTP लिखा होता है, इसे कहते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल वो सेट ऑफ रूल्स हैं, वो नियम हैं जिनकी मदद से आपकी वेबसाइट रन करती है। उसके बाद डोमेन कैसा है, www है। उसके बाद डोमेन का नाम क्या है, यानी कि कंपनी कौन सी है, और उसके बाद डोमेन किस प्रकार का है, डोमेन टाइप, ये पूरा प्रॉपर इसी तरह लिखा रहता है। कहीं कहीं पे आगे .in भी लगा रहता है, वो ये शो करता है कि ये कंट्री कोड है। तो ये पूरा का पूरा URL कहलाता है। तो इस समय हमारी स्क्रीन पर www यानी वर्ल्ड वाइड वेब के अंतर्गत हम लोग गूगल नाम की कंपनी की वेबसाइट पर काम कर रहे हैं। कॉम का मतलब है ये कमर्शियल साइट है। अगर .edu लिखा होता तो एजुकेशनल होती, अगर .gov लिखा होता तो आपकी गवर्नमेंट साइट होती। IN का मतलब हम इंटरनेट जो यूज़ कर रहे हैं या जो गूगल देख रहे हैं वो इंडिया का है। हमारे पास जो इंडियन यूज़र्स होते हैं वो लोकेशन के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली इंटरनेट चेक कर लेता है कि आप किस कंट्री में हैं, और उसी से जुड़ी हुई आपको वेबसाइट दिखाता है। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ कैसे। अब अगर आप लोग देखें तो ये जो वेबसाइट है, मैंने यहाँ पे गूगल लिखा, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया का गूगल मेरे सामने खुला हुआ है। उसको पता है कि मेरी लोकेशन जो है वो इंडिया की है, तो मेरे को इंडियन चीज़ें सर्च करके दिखाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे www.google.co.uk कर दूँ और यहाँ पर एंटर कर दूँ, तो मैं रहता भले इंडिया में ही हूँ, लेकिन जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरी स्क्रीन पर गूगल जो खुलेगा वो यूके का खुल जाएगा। अभी इस समय स्पोर्ट्स चल रहे हैं, फुटबॉल वगैरह चल रहा है, इसलिए उसका लोगो चल रहा है, लेकिन अब इस समय हम लोग यूके के गूगल पर हैं। यानी कि अब अगर मैं सर्च करता हूं तो बाय डिफ़ॉल्ट यूके की जो यूनाइटेड किंगडम्स हैं उनसे आसपास की चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे कि अगर मैं पहले लिखता तो मेरे को, अगर मैं लिखता सैमसंग सर्विस सेंटर तो सैमसंग सर्विस सेंटर इंडिया के दिखाता, लेकिन अब डिफ़ॉल्ट वो यूके के दिखाने लगेगा। तो ये आखिरी के दो जो होते हैं वो कंट्री कोड होते हैं। आप गूगल में टाइप भी कर सकते हैं डोमेन टाइप, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से डोमेन हमारे पास हैं। और वैसे आपको बता दें, एक
अलग अलग टाइप के आपको दिखेंगे, डोमेन के डिफरेंट टाइप्स हैं, आप लोग उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। एक साइट खोल लीजिए, आपके पास पढ़ने के लिए एक बहुत अच्छी साइट है जिसका नाम है विकिपीडिया। आप विकिपीडिया से बहुत अच्छे अच्छे इनके अंदर आप लोगों को टॉपिक्स मिल जाएंगे। इसमें आप लोगों को जो भी चाहिए, आजकल हिंदी में भी अवेलेबल है विकिपीडिया, और यहाँ पर लिख लीजिए डोमेन, तो आपको डोमेन टाइप्स के बारे में, डोमेन्स के बारे में सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए, आप लोग जब यहाँ सर्च करेंगे तो आपको यहाँ दिखा दिया कि कितने प्रकार के डोमेन्स होते हैं, कैसे कैसे देखा जाता है, कौन कौन से डोमेन्स होते हैं, इनकी हिस्ट्री क्या थी, सब कुछ अवेलेबल है इसमें। जो टॉप डोमेन है वो अलग हैं। आपको बता दें ये डोमेन्स की लिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, gov.edu.com, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नेट, ये सारे टॉप डोमेन्स हैं। और कभी भी आप अपनी वेबसाइट बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे कोई आदमी अपना वेबसाइट बनाना चाहता है तो उसके पास तो पहले से ये www कुछ होता नहीं है। वेबसाइट तो आप लोग अपने कंप्यूटर पे बना लें, HTML प्रोग्रामिंग पढ़ लें, या कोई भी आप लोगों के HTML बनाने के बहुत अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, आप वो कोई भी एक सॉफ्टवेयर, फ्रंट पेज, हॉट जावा, कुछ भी ले लें और आप अपनी वेबसाइट बना लें। लेकिन इंटरनेट पे वो तभी चलेगी जब आप अपना पर्सनल डोमेन परचेज करेंगे। आपने शायद कुछ साइट के नाम भी सुना हो, जैसे एक सुना हो GoDaddy। तो GoDaddy साइट करती क्या है, ये साइट आपको डोमेन सेल करती है। आप इस साइट पे जाइए और इस साइट पे जाने के बाद आप लोगों को पूछ रहा है कि आपको अपनी वेबसाइट बनाने के लिए कौन सी नाम से वेबसाइट चाहिए। तो जब आप GoDaddy को खोलते हैं तो GoDaddy पर आप लोगों को डोमेन सर्च करने की स्क्रीन खुलती है। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि मुझे कोई डोमेन चाहिए, जैसे मैंने डाल दिया निलिट, तो निलिट के नाम से मैं डोमेन सर्च कराना चाहता हूँ, मैं अपनी कोई निलिट के नाम से वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, www.nilit.com, www.something-something। जैसे मैं सर्च करूँगा तो मेरे स्क्रीन पर वो दिखा देगा कि इस नाम से अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो आपको कैसे कैसे मिलेंगे। अब देखिए, उसने तुरंत दिखा दिया कि आप अगर निलिट के नाम से वेबसाइट बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन अगर आप nilit.online के नाम से बनाइए या फिर nienow.com के नाम से बनाइए और उसके पैसे इतने लगेंगे, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे उसने बना दिया। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये वेबसाइट लोगों को ढूंढने या याद करने में मुश्किल होती है। nilit.com के नाम से बना दें तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए, बोल रहा है nilit.com के नाम से अभी तक किसी ने साइट नहीं बनाई है, लेकिन अगर आप ये डोमेन खरीदना चाहते हैं तो इतने रुपये पर ईयर आपको देना पड़ेगा रेंट, क्योंकि उनको पता है ये डोमेन बहुत डिमांडिंग है। तो डिमांडिंग होने के कारण वो 88,000 के आसपास आपसे चार्ज करेंगे पर ईयर का। तो वही वेबसाइट आप इस डोमेन से रजिस्टर करेंगे तो आपकी वेबसाइट www.nilit.com से रजिस्टर्ड हो जाएगी, आप उसके ओनर हो जाएंगे, आप उसमें कुछ भी अपलोड करिए, कोई भी साइट में डिटेल इन्फॉर्मेशन दीजिए। लेकिन अगर उसकी जगह nilit.online.co.in के नाम से रजिस्टर करेंगे तो 200 रुपये में रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो पैसे की मेन रिक्वायरमेंट, डोमेन कितना हॉट है, कितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, कितना ज़्यादा डिमांडिंग है, उसी पे पैसे चार्ज होते हैं। तो आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा डोमेन क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये तो आपको पता चल गया इंटरनेट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर इसमें वो सारे ऑप्शन नहीं दिए तो आप लोग ये डाल सकते हैं सर्च इंजन www का मतलब नहीं है, सेट ऑफ रूल्स चाहिए इंटरनेट चलाने के लिए, प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल बॉक्स के पते का पहला पार्ट क्या कहलाता है। ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे 100% क्वेश्चन आता ही आता है। कम्युनिकेशन, इंटरनेट की ईमेल, आउटबॉक्स, इनबॉक्स, ड्राफ्ट, स्पैम, ये वो चीज़ें हैं जिनसे क्वेश्चंस हर बार बन रहे हैं और क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ता चला जा रहा है। अब ईमेल बॉक्स और ईमेल के बारे में चलिए बता देते हैं। क्वेश्चन एक कभी कभार जरूर ट्रू फॉल्स से पूछा जाता है, एक ईमेल आईडी दी रहती है और पूछा जाता है ये सही है या गलत। तो चलिए ईमेल से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें देखते हैं। ओके, चलिए ईमेल से जुड़े हुए हम लोग टर्मोलॉजीज क्लियर कर लें। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप लोग आसानी से उसे लॉगिन कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप उसे बना लीजिए। आपको जीमेल का ही यूज़ करना, अभी शुरू करना, बिकॉज निलिट में जो क्वेश्चन आते हैं वो जीमेल से ही जुड़े हुए आते हैं। तो आप जीमेल की साइट खोलिए www.gmail.com, आप अपने फ़ोन पे भी बना सकते हैं। यहाँ पर जाइए, यहाँ लिखा है यूज़ अनदर अकाउंट, या कोई नया फ्रेश अकाउंट आप अगर बनाने वाले हैं तो यूज़ अनदर अकाउंट्स पे जाइए। यहाँ आपसे बोल रहा है कि अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना है तो आप उस पर साइन इन करिए, और अगर अकाउंट नहीं बना है तो नीचे से क्रिएट अकाउंट पर जाकर आप लोग अपना अकाउंट्स बना लीजिए। तो आपको अगर अकाउंट बनाना है तो नीचे क्रिएट बटन दबाइए और अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। अब देखिए, जब फॉर्म आ जाएगा, इस फॉर्म को आपको भरना है। इस फॉर्म में आपसे आपका नाम, लास्ट नेम, ये सारी चीज़ें पूछ रहा है। आप ये पूरा फॉर्म भरिए, ये वो पार्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें बोल रहा है कि आप अपनी ईमेल आईडी किस नाम से बनाना चाहते हैं। यूज़र नेम में
आप जाहिर है अपना नाम ही डालेंगे, जैसे किसी का नाम है मान लीजिए सुमित, तो वो सुमित नाम से ही ईमेल आईडी बनाना चाहेगा। यहाँ उसने लिखा सुमित और मान लीजिए यहाँ पर उसने लिखा शर्मा, अब इधर ईमेल आईडी वो सुमित शर्मा के नाम से ही बनाना चाहेगा ताकि लोगों को बताने में आसानी रहे। लेकिन क्योंकि सुमित शर्मा पहले से बनी है, अंडरस्टूड है, बिकॉज कॉमन सा नेम है, तो वो नहीं बनाने देगा। तो इसको थोड़ा यूनिक कर दिया जाए। इसके आगे आप लोग कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए। मैंने ऐड कर दिया सुमित शर्मा कानपुर, तो हो सकता है इस नाम से किसी ने ना बनाई हो। अगर ये भी हो तो इसके आगे कुछ और भी ऐड कर दीजिए। आपने अपना ईयर ऑफ बर्थ भी ऐड कर दिया तो पूरी ईमेल आईडी आपकी बन जाएगी सुमित शर्मा कानपुर 2001@gmail.com। ये जो पहला वाला पार्ट है इसी को कहते हैं यूजर नेम। तो आपको यूजर नेम ये है और एट द रेट डोमेन नेम, यानी कि आपके जीमेल पर ये आईडी तैयार हो गई। ये पूरी ईमेल आईडी है। नीचे आप अपना पासवर्ड जनरेट करिए। पासवर्ड में देखिए साफ साफ बोल रहा है कि 8 अक्षर से ज़्यादा बनाइए, 8 से 16 के बीच में होना चाहिए। और पासवर्ड कभी भी बनाइए तो पासवर्ड में हमेशा नंबर्स या अल्फ़ाबेट अकेले यूज़ मत करिए। पासवर्ड बनाते समय कोई ना कोई सब मिक्स कॉम्बिनेशन यूज़ करिए। जैसे मैंने पासवर्ड कोई बनाने जा रहा हूँ, जैसे मैंने बना दिया मुकुल #007। मैं दिखा देता हूँ, देखिए पासवर्ड ऐसा बनाइए इस तरीके का। इसमें कैपिटल, स्मॉल, स्पेशल करेक्टर, नंबर सब कुछ मिक्स्ड है। और इसी तरह का पासवर्ड ही आप लोग यूज़ करिए। बस इसके बाद नेक्स्ट करिए, आपके फ़ोन पे OTP आएगा, उसको टाइप करके दोबारा एंटर कर दीजिए और लीजिए आपकी ईमेल आईडी तैयार हो गई। सिंपल है। अब नेक्स्ट टाइम जब कभी आप आईडी से लॉगिन करना चाहेंगे तो आपको ये सब कहानी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जीमेल पे जाइए, जीमेल पे जाने के बाद अपना आपसे यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा, वो डाल दीजिए और आपका यूज़र नेम पासवर्ड डालते ही आप लॉगिन कर जाएंगे। अगर आप लोगों ने अपने पर्सनल सिस्टम पे डाल रहे हैं तो आप उसको सेव भी कर सकते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो स्क्रीन पर आपको पॉपअप विंडो खुलती है जिसमें आपसे बोलेगा कि ये यूज़र नेम पासवर्ड आपके सिस्टम पे सेव करें। आप यस कर देंगे तो वो सेव हो जाएगा। सेव हो जाने से फ़ायदा क्या है, जब आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली यहाँ देखिए पासवर्ड अपने आप पड़ जाएगा, तो ये हमें बार बार डालना नहीं पड़ेगा और हम लोग सीधा लॉगिन कर जाएंगे। लेकिन ये एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह से ख़तरनाक भी है। बिकॉज अगर आपने गलती से सेव कर दिया, आपने गलती से आप लोगों ने अपने ब्राउज़र में सेव कर दिया, तो वो ब्राउज़र में हमेशा के लिए जब सेव हो गया और कहीं मान लीजिए आप कैफ़े में हैं तो किसी ने आपका ईमेल आईडी जैसे ही पहला वर्ड लिखा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी और आपका पासवर्ड भी आ जाएगा। तो इसीलिए कभी भी आप लोग इसको पर्सनल कंप्यूटर के सिवाय कहीं सेव ना करें। और अगर सेव हो भी गया है तो उसकी हिस्ट्री से जाकर उसको डिलीट मार दीजिए, कैसे वो भी देख लीजिए। बहुत सिंपल है। आप लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल लीजिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके सिस्टम में ये रहता है जिस पर कि आप लोगों के सारे मेनूज दिए रहते हैं। हम बात कर रहे हैं पुराने पासवर्ड और कौन कौन सी फाइलें, हिस्ट्री, ये सब डिलीट कैसे करते हैं, क्योंकि आप सिस्टम पे कुछ भी करते हैं तो आप लोगों के कंप्यूटर्स पर वो सारी चीज़ें, फ़ोन पर वो सारे पासवर्ड वगैरह सब सेव हो जाते हैं। तो आप टूल्स सेक्शन में जाइए। टूल्स के अंदर आपको नीचे की तरफ सबसे बॉटम में दिखाई देगा इंटरनेट ऑप्शंस। आप यहाँ जाइए और यहाँ पर इंटरनेट ऑप्शंस में आपको दिखाएगा कि आपके कंप्यूटर में ये पार्ट है जिसमें कि आपके द्वारा जितनी हिस्ट्री है, कहाँ कहाँ सर्फिंग की, कुकीज़ हैं, सेफ फाइल हैं, पासवर्ड है, वो सब कुछ यहाँ पर दिखेगा। आप इसे जाकर यहाँ से डिलीट करिए। आपको बता दें टेम्प फाइल्स वो होती हैं जो कि आप लोग कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो वो आके टेम्प्रेरी बन जाती हैं। जैसे आप लोगों के फ़ोन में भी रहती है, फ़ोन में कोई वेबसाइट खोलते हैं थोड़े दिन में फ़ोन स्लो हो जाता है तो हम क्या करते हैं फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल करते हैं सी क्लीनर या इस तरह का, उसमें झाड़ू वाड़ू बन जाती है, पकड़ के लाते हैं, क्लिक करते हैं, झाड़ू जोर से उड़ के जाती है, अंदर से फीलिंग आती है फ़ोन तेज हो गया। तो बेसिकली उसने कुछ नहीं किया, बेसिकली टेम्प फाइलें साफ़ की हैं जो टेम्परेरी बन गई थी, थोड़ी बहुत गार्बेज साफ़ हो गई। फ़ोन की स्पीड नहीं, आपके स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी बढ़ गई उसकी, जो भी है। हिस्ट्री क्या करता है, ये आपके फ़ोन और आपके कंप्यूटर में सब में होती है। लॉग्स, कौन कौन सी साइटें आपने खोली, कौन कौन सी आपने, ये सब कुछ हिस्ट्री में पड़ा रहता है। कंप्यूटर लॉग होते ही हिस्ट्री, मतलब कंप्यूटर ऑन होते ही अपनी लॉग बुक तैयार करता है, तो ये हिस्ट्रीज में सब मिल जाएगा आपको। आप जाकर हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं। और कुकीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कुकीज़ वो टेम्परेरी या वो फाइल्स होती हैं जो आपकी वेबसाइट खोलते समय अपने आप आके सेव होती हैं। जैसे आपने पहली बार एक वेबसाइट खोली www.google.com या yahoo.com तो आप देखेंगे फर्स्ट टाइम साइट खुलने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि आपके सिस्टम पे याहू की पूरी साइट, ये आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप है और आपके सिस्टम में नेट से पूरी की पूरी वेबसाइट 100% आई,
और आकर सेव हुई, तभी तो स्क्रीन पर आपको पूरा पूरा yahoo.com दिखा। लेकिन इसमें से जो स्टैटिक पेजेस हैं, मान लीजिए 70% पार्ट कंप्यूटर की मेमोरी में ही सेव हो गया, जब नेक्स्ट टाइम आप याहू खोलेंगे तो पूरा का पूरा 100% नेट से डाउनलोड नहीं होगा, सिर्फ 30% नेट से जो अपडेट हुआ है वही डाउनलोड होगा, और 70% आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी सेव है पहले से, वो ले लेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब कभी आप वेबसाइट खोलेंगे तो आपकी वेबसाइट पहले डेट के कंपेरेटिव जल्दी खुल जाएगी, क्योंकि उसको काफ़ी सारा जो पोर्शन है वो कुकीज़ में ही पड़ा मिल गया। इसी को कहते हैं कुकीज़। लेकिन कुकीज़ अच्छी चीज़ है, स्पीड प्रोवाइड कर रही है, लेकिन कुकीज़ नुकसानदेह क्योंकि आपकी स्पेस कवर कर रही है सिस्टम की। आप बहुत सारी सर्फिंग करते रहिए, 4-5 महीने बाद आप देखिए सिस्टम कितना स्लो होता चला जा रहा है। तो हमें समय रहते कुकीज़ भी हटानी चाहिए, और सेव पासवर्ड मैंने आपको बता ही दिया। और जब आप इसे क्लिक करेंगे डिलीट ऑप्शन के पास, तो देखिए आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा। आप फॉर्म्स, पासवर्ड जो भी चाहिए टिक करके डिलीट कर दीजिए, और ये आपके सिस्टम से साफ हो जाएंगे। कभी आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप जाकर इसे इस तरीके से ज़रूर करिए। तो ओके, आप लोगों को ये पता चल गया। तो हम लोगों ने अपनी ईमेल आईडी, देखिए यहाँ पूछता है सेव करने का, अगर मैं सेव बटन दबा दूँ तो मेरे ब्राउज़र में ही ये सेव हो जाएगी पासवर्ड। नेक्स्ट, अब आपके सामने ये ईमेल आईडी खुल गई। आपको पता है कि किसी को मेल भेजना है तो हम लोग अपनी मेल्स कंपोज पे जाके भेज सकते हैं। वैसे इसका एक अलग से सेक्शन है ईमेल के ऊपर, वो अलग से ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले से, आगे भी मैं फिर से रिपीट करता रहूँगा। मेन टॉपिक हमारा ये नहीं है, मेन टॉपिक तो हमारा ये है कि हमारी ईमेल आईडीज़ जो हैं वो कैसे बनती हैं या किस तरह की हैं। तो यहाँ देखिए वैलिड ईमेल आईडीज़ दी गई हैं। ईमेल आईडी में पहला आपको पता है यूज़र नेम होता है, फिर @domainname.com होता है अगर आपने .com में बनाई है। कहीं कहीं पर इस तरह भी लिखा रहता है ravi.21@rediff.com। कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपके उसमें यूज़र नेम में डॉट लग सकती है, तो बिल्कुल लग सकती है। जैसी मेरी भी एक ईमेल आईडी है minesh.sachan, तो मैं उसको यूज़ करता हूँ। आप लोग इसके साथ सिंबल भी लगा सकते हैं, जैसे हैश लगाया है वो भी आप लोग लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग कोई और हाइफन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने डाला सुमित, अब सुमित शर्मा नहीं मिल रहा तो सुमित अंडरस्कोर शर्मा यूज़ कर सकते हैं, माइनस नहीं यूज़ कर सकते, अंडरस्कोर ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे वैलिड्स हैं, कुछ इनवैलिड्स भी देख लीजिए कि जो जो आपके काम में आपको दिखाई देता है। जैसे कि आप लोगों ने दिखा दिया कि यहाँ पर @ का सिंबल गायब है, तो ravi.gmail.com ऐसे नहीं बन सकता, दो दो @ अलाउड नहीं है। आप सोचें कि मैंने लिखा ravi@2010@gmail, नहीं, ऐसे पॉसिबल नहीं है। आप लोग सेमी कोलन रेशियो ये सब नहीं लगा सकते, ये सब अलाउड नहीं है। इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगा सकते, कोट्स नहीं कर सकते, तो ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते। डबल डॉट्स नहीं यूज़ कर सकते। तो ये सब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सब चीज़ें आपकी जीमेल आईडी या किसी भी आईडीज़ में बनाने के लिए इनवैलिड है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि 4 ईमेल आईडीज़ दी गई होंगी तो पूछा जाता है इनमें से कौन सी वैलिड है, या पूछा जाता है इनमें कौन सी इनवैलिड है। तो आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पहला भाग तो चलिए मैंने बता ही दिया, यूज़र नेम होता है। नेक्स्ट है मेन स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड, आपके कंप्यूटर के स्टोरेज के बारे में बात हो रही है, मेमोरीज। इस बार ओ लेवल में भी पूछा गया था ये सवाल, तो मेमोरीज के बारे में चलिए एक चार्ट पूरा क्लियर कर लेते हैं। मेमोरीज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर बार रिपीट होता है। कंप्यूटर मेमोरीज को दो तरीके से डिवाइड किया है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरीज। प्राइमरी मेमोरी को समझना बहुत आसान है, ये वो मेमोरीज होती हैं जो आपके कंप्यूटर के अंदर ही अवेलेबल हैं, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये ट्रांसफरेबल नहीं है, ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, निकाल के दूसरी जगह नहीं लगाई जा सकती। सेकेंडरी मेमोरी को आप निकाल के दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एग्जांपल के रूप में आपके जैसे फ़ोन में एक फ़ोन मेमोरी हो गई और एक मेमोरी कार्ड हो गया। तो प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आते हैं, इसको और भी बाद में फर्दर क्लासीफाई किया गया है, रैम को भी और रोम को भी, फिलहाल अभी उतनी ज़रूरत नहीं है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है और रोम रीड ओनली मेमोरी है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सी वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल का मतलब जब तक लाइट है तब तक अवेलेबल है, लाइट गई तो सब खत्म, और वो क्या होती है, रैम। रैम को वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है बिकॉज जब तक आपके सिस्टम को रैम में डेटा जो रखा है, जब तक लाइट मिल रही है वो डेटा स्टोर्ड है, जैसे ही आपने लाइट ऑफ की डेट टाइम सेटिंग सब कुछ खत्म। इस तरह भी समझ लीजिए, जैसे अगर मैं यहाँ कुछ टाइप कर रहा हूँ, मैंने कोई सॉफ्टवेयर खोला, वर्ड खोला, वर्ड में कुछ टाइप करते चले आ रहे हैं, बनाते चले आ रहे हैं, लेकिन मैं अभी सेव नहीं कर रहा, और जैसे ही मैं सिस्टम ऑफ करूंगा तो क्या वो फाइल मेरे को दोबारा मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, बिकॉज अभी तक वो फाइल हार्ड डिस्क में पहुंची ही नहीं, अभी तो सिर्फ सिस्टम की रैम पे थी।
तो अब रैम ख़त्म लाइट जाते ही, तो सारा डेटा चला गया, नेक्स्ट टाइम मेरे को फाइल दोबारा बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं उसे सेव कर लेता तो नेक्स्ट टाइम हार्ड डिस्क से ओपन कराई जा सकती। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी है, ये भी एक प्रकार की मेमोरीज है जो कि आपके कंप्यूटर्स में चिप के फॉर्मेट में रख ली जाती है, और इसमें जो लिख दिया जाता है वो परमानेंट हो जाता है, आप उसको जब चाहें तब रीड कर सकते हैं, लेकिन आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे कि आपकी बायोस हो गई, बायोस जो है वो एक प्रकार की बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक चिप है जिसमें आपके सिस्टम के सारे इनपुट आउटपुट पार्ट्स के कॉन्फ़िगरेशन पड़े होते हैं। लाइए आपको बायोस की फ़ोटो भी दिखा दें, बहुत सारे बच्चों ने बायोस नहीं देखी होगी अपने सिस्टम पे, आपके मदरबोर्ड में बायोस चिप लगी होती है, और इस ये मदरबोर्ड के आपके सभी डिवाइसेस में रहती है, फ़ोन में भी बायोस लगी होती है। आप लोग गूगल पे डालिए बायोस चिप्स और देखिए ये आ गई बायोस, ये इस तरह की बायोस चिप आपके मदरबोर्ड में पड़ी रहती है, और इसी में आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर या यूँ कहिए कि डिवाइसेस का इनपुट आउटपुट का सारा प्रोग्रामिंग इनबिल्ड होती है। आप अपने बायोस के अंदर जाके सेटिंग सेव करके चेंज कर लीजिए, तो आप लोग अपनी सेटिंग्स जो चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम काम करने लगेगा। आप लोग इसमें अपनी मेमोरी कम ज़्यादा, प्रोसेसिंग स्पीड कम ज़्यादा, ये सब भी कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो परमानेंट है, आप उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, जो प्रोग्राम सेव है वो सेव है, बस रीड कर लीजिए। सेकेंडरी मेमोरीज पे आइए, तो ये मेमोरीज में आती है फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सारी चीज़ें, इनको आप लोग सेव करिए, ट्रांसफ़र कर लीजिए, दूसरी जगह डिलीट करके रीयूज़ कर लीजिए, तो ये सब कहलाती हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरीज में क्या अंतर है। तो मेन मेमोरी जो होती है वो आप लोगों की प्राइमरी मेमोरीज ही होती है, मेन मेमोरी को हम लोग मेमोरीज ही कहते हैं, और ये ट्रू है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन एक सिंपल सा है जिसमें पूछा गया है क्या ये मुमकिन है कि वेबसाइट्स में, वेबसाइट से डाउनलोड किए गए वेब पेज आप अपने कंप्यूटर में सुरक्षित कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, अगर आप कोई वेबसाइट देख रहे हैं, आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसमें कंट्रोल एस दबा दीजिए और वो सेव हो जाएगा। लेकिन वो क्या पूरी वेबसाइट सेव हो जाएगी? नहीं, सिर्फ करंट पेज सेव होगा, और उसमें भी अगर फोटोज लगी हुई हैं कहीं तो वो फोटोज आपके उसमें नहीं सेव होंगी, बिकॉज वो फोटोज वेबसाइट का पार्ट नहीं थी, वो तो अलग से हाइपरलिंक या अलग से लिंक लगाकर उसमें लगाई गई थी। तो टेक्स्ट कंटेंट तो सेव हो जाएगा आराम से, लेकिन उसका हाइपरलिंक या अदर कंटेंट जो है, खासकर फोटोज हैं, एनिमेशन डायग्राम्स हैं, या यूं कहिए छोटे छोटे आपके एनबिल्डेड जो अलग से वीडियोज हैं, वो सब नहीं सेव होंगे। नेक्स्ट टाइम आप खोलेंगे तो उस जगह आपको आपको एक फ्रेम दिखेगा, उसके अंदर कुछ होगा नहीं। तो ये ट्रू है क्योंकि वेबसाइट का मैक्सिमम पार्ट आपके सेव हो जाएगा, लेकिन आप अगर अगली बार अगर वेबसाइट खोलते हैं तो वो वेबसाइट अगर चेंज हो गई है तो वो वेबसाइट नई वाली फ्रेश वेबसाइट ही आएगी, पहले वाली कुछ नहीं आएगी। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ब्राउजर एक्सटेंशन से इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट एनेबल्स द फंक्शन ऑफ ए वेब ब्राउजर। ब्राउजर एक्सटेंशन इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट एक्सटेंड द फंक्शंस ऑफ ए वेब ब्राउजर। अब ये बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट है, ब्राउज़र एक्सटेंशंस बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि ये क्या है और ये कंप्यूटर्स में क्या काम करता है, आपको चलिए बताते हैं। ये बहुत अच्छा और क्रोम में सबसे अच्छा काम करता है। देखिए क्रोम खोलते हैं, ये रहा मेरे पास गूगल क्रोम, और गूगल क्रोम में मेरे को कोई चीज़ चाहिए जो कि मेरे को अपने यहाँ पर कंप्यूटर्स में वर्क करने में आसानी करे। जैसे कि आपके फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक वेबसाइट चाहिए फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन, तो मैं अमेज़ॉन की साइट खोलता हूँ, मैंने यहाँ पे मैंने लिखा Amazon और Amazon की साइट मेरी स्क्रीन पर सर्च होकर खुल जाएगी। लेकिन ये तो मैंने साइट खोली पूरी पूरी और Amazon की सारी चीज़ें मैं अपना ओपन करा सकता हूँ, यहाँ से देख सकता हूँ। वैसे ही Facebook, अगर इसकी जगह क्यों ना कुछ ऐसा हो कि मेरे कंप्यूटर्स में साइट में नोटिफिकेशन विंडो बने और उसमें ये चीज़ अपने आप चलती रहे, जैसे आपके फ़ोन में होता है, फ़ोन में जैसे ही कोई WhatsApp पे मैसेज आता है नोटिफिकेशन विंडोज़ में ऑन आ जाता है। आप लोग अगर गौर करें तो मैंने यहाँ पे एक स्पीकर का आइकन लगा रखा है, आपके सिस्टम पे आप क्रोम पे खोलिएगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि मेरे को कभी भी कोई वेबसाइट लिखनी होती है तो मैं लिख कर ना बट इस बटन को दबा देता हूँ और वो लिख बोलते ही वो अपने आप लिख जाती है। तो ये मैंने एक्सटेंशन ऐड किया है इसमें, और ये एक्सटेंशन कहलाता है प्लगइन्स। तो आप क्रोम प्लगइन्स के नाम से सर्च करिए, क्रोम प्लगइन्स। जैसे ही आप प्लगइन्स के नाम से सर्च करेंगे तो आपके सामने क्रोम प्लगइन्स की साइट खुल जाएगी। ये क्रोम्स ने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा प्लगइन्स दे रखे हैं, एक्सटेंशंस दे रखे हैं, देखिए ये रहे, आप इसको ऐड कर सकते हैं।
आपको जो भी प्लगइन्स चाहिए, जैसा भी प्लगइन्स चाहिए आप सर्च करा लीजिए। क्रोम प्लगइन्स में हम जाकर कोई भी प्लगइन सर्च करा सकते हैं। जैसे मैंने फेसबुक का प्लगइन सर्च करा लिया और उसको ऐड कर दीजिए, तो देखिए सोशल फेसबुक क्रोम्स का प्लगइन्स इसमें ऐड हो जाएगा, ये एक्सटेंशन ऐड हो जाएंगे। यहां से मैंने ऐड कर दिया तो ये सोशल फाइबर फॉर फेसबुक ये ऐड हो जाएगा। अब ऐड होने से फायदा क्या रहेगा, जैसे ये आइकन आपको स्पीकर का दिख रहा है वैसे ही फेसबुक का भी दिखने लगेगा, अमेजोन का भी दिखने लगेगा। आप वहां क्लिक करके डायरेक्ट अपडेट्स देख सकते हैं और आपके उसमें कौन कौन से प्लगइन्स और एक्सटेंशन चल रहे हैं। ये साइड की ये बिंदियों को क्लिक करिए और यहाँ सेटिंग्स में चले जाइए। ये जो आपको सेटिंग्स ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है ये रहा, और सेटिंग ऑप्शंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको आपके बनाए हुए सारे प्लगइन्स और क्या क्या हैं ये सब कुछ यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी। इससे हमें पता चल जाता है कि हम लोगों ने कौन कौन से प्लगइन्स एक्टिवेट कर रखे हैं। लेकिन ये प्लगइन्स कभी कभार बहुत मदद भी करते हैं और कभी कभार प्लगइन्स गड़बड़ भी कर देते हैं। जैसे कभी कभार काफ़ी अनॉयड हो जाते हैं, परेशानी करते हैं कि आप लोगों ने कोई भी साइट खोली, जैसे आप कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर मॉनिटर देख रहे हैं या कुछ भी, अमेजोन का प्लगइन है तो वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि आप मॉनिटर सर्च कर रहे हैं, वो साइट में नोटिफिकेशन दिखा देगा कि उसकी साइट में मॉनिटर के क्या क्या रेट है, तो आपको वहीं पर जाकर उसे अनइंस्टॉल करना पड़ेगा सेटिंग्स में जाकर। तो आपको पता चल गया कि इस क्वेश्चन का क्या था। तो इसमें दिया गया ब्राउज़र एक्सटेंशन इज़ ए कंप्यूटर फ्रेमवर्क, ये अपने में छोटे छोटे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं जो कि ब्राउज़र के साथ ऐड कर दिए जाते हैं, तो ये सही है। नेक्स्ट, विद्युत गति यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पीड पर कार्य करने से सबसे अधिक तेज क्या होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्पीड यानी कि करंट की स्पीड से जो चीज़ काम करती है वो क्या है, मैग्नेटिक टेप्स या फिर मेमोरीज या मैग्नेटिक डिस्क, और इसमें एक और भी एक एक्सटेंशन होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इनमें से जो सबसे फास्ट स्पीड में जो काम करता है वो आपकी वही चीज़ें होंगी जो करंट की चीज़ में या करंट के फॉर्मेट में डेटा स्टोर करेंगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं हार्ड डिस्क की, अब देखिए ये भी बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने कई बार प्रैक्टिस की और अभी यूज़ भी कर रहा हूँ। आप लोग एक हार्ड डिस्क खरीदिए, सभी के घर में एक हार्ड डिस्क सिस्टम पर तो होंगी ही होंगी। अब अगर मैं हार्ड डिस्क की मैं आपको इंटरनल डायग्राम दिखाता हूँ, मेरा ब्राउज़र फायरफॉक्स फास्ट है, मैंने यहाँ पे हार्ड डिस्क लिख दी, हार्ड डिस्क इमेजेस, और देखिए मेरे पास खूब सारी हार्ड डिस्क आ गई। अगर मैं हार्ड डिस्क का इंटरनल डायग्राम आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा होता है, आपका जितना डेटा कंप्यूटर में सेव हो रहा है वो यहीं पे सेव हो रहा है। अगर आप गौर करें तो हार्ड डिस्क के अंदर आपको एक मैग्नेटिक डिस्क दिखाई दे रही है। इस मैग्नेटिक डिस्क में ये जो सिल्वर की एक लंबी सी लाइन दिख रही है बेसिकली हेड है, और ये हेड ही आपके इस मैग्नेटिक डिस्क पे डेटा सेव कर रहा है। इसमें छोटे छोटे डाइपोल्स बने होते हैं, इसके लिए मैंने ट्रैक सेक्टर्स का एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है। तो आपका सारा डेटा इसमें छोटे छोटे डाइपोल्स के रूप में सेव होता है, मैग्नेटिक पार्टिकल्स के रूप में। लेकिन आप खुद सोचिए कि इसमें कितना टाइम लगता होगा, बिकॉज हार्ड डिस्क अपने अंदर ये डिस्क गोल गोल घूम रही है, और ये आपको बता दें 7200 RPM पे घूमती है, मैक्सिमम स्पीड इसकी यही है रोटेशन पर मिनट, अगर आपने अच्छी हार्ड डिस्क ली है तो 72 hard। अगर आपने 1 GB का फाइल सेव की तो कितना टाइम लगेगा इसको, आप जानते भी हैं कि अगर 1 GB की फाइल कॉपी करिए अपने हार्ड डिस्क में तो हार्ड डिस्क को टाइम लगता है, 8-10 मिनट तो लग ही जाते हैं। लेकिन अगर इसकी जगह मैं ये हटा दूं और आज की नई जनरेशन की हार्ड डिस्क लूं जिसे कहते हैं सॉलिड स्टेट हार्ड डिस्क, SD हार्ड डिस्क, अब देखिए SD हार्ड डिस्क क्या होती हैं, इसमें आपका डिस्क अंदर की चेंज हो जाती है और अब आपको दिखने लगी होगी SD हार्ड डिस्क जो है उसके अंदर ये नॉर्मल की जगह चिप्स के फॉर्मेट में आपको दिखने लगती है। अब जाहिर है इसमें कोई डिस्क घूमने जैसी टेक्नोलॉजी नहीं है, इसमें आपका सारा डेटा बिल्कुल वैसे ही जैसे मेमोरी कार्ड्स में अंदर एक IC लगी होती है वैसे ही सेव होता है। तो इसमें डेटा सेव होने की स्पीड कितने गुना बढ़ जाती है, ऑलमोस्ट 20 times बढ़ जाती है। और आप लोगों का कंप्यूटर में भी अगर आप लोग नॉर्मल हार्ड डिस्क की जगह SD हार्ड डिस्क लगाएं, पहले मैं नॉर्मल हार्ड डिस्क यूज़ करता था सीगेट की, अब मैंने सैमसंग की SD हार्ड डिस्क यूज़ कर ली है। अब SD हार्ड डिस्क का फ़ायदा ये है कि आपके सिस्टम की प्रोसेसिंग बहुत तेज हो जाती है अचानक। नॉर्मली लोग कहते हैं कि प्रोसेसर बदल दीजिए, लेकिन प्रोसेसर बदलना एक बड़ा एक्सपेंसिव खर्चा है, प्रोसेसर के साथ रैम बोर्ड सब कुछ अटैच रहते हैं। उससे एक बहुत आसान और सिंपल सा तरीका है जो मैंने प्रैक्टिकली यूज़ किया, और मैंने क्या किया है 128 GB की SD हार्ड डिस्क ली है जो ऑलमोस्ट इस समय 2400 रुपये की है।
अब आप लोग देखेंगे मैंने अपनी विंडोज़ एसडी हार्ड डिस्क में रख ली है सारी का, क्योंकि 128 जीबी में सफिशिएंट डेटा नहीं रखा जा सकता, तो मैंने विंडोज़ इसमें इंस्टॉल कर ली क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर तो इसी में होते हैं, और बाकी बैकअप मैंने अपने यहाँ एक सेकेंड हार्ड डिस्क पहले वाली लगा रखी है। अब मैं सिस्टम ऑन करता हूँ तो मेरा सिस्टम 6.5 मिनट से 7 मिनट में ऑन हो जाता है, 6.5 से 7 सेकेंड्स में सॉरी ऑन हो जाता है, 6 से 7 सेकेंड में फ़ोन नहीं ऑन होता। और डेटा कॉपी करना, ट्रांसफ़र करना, मैं जो वीडियोस बनाता हूँ वो वीडियोस अगर मान लीजिए कि अगर 60 मिनट के भी हैं तो नॉर्मल हार्ड डिस्क में उसको बनने के बाद रेंडर होने में कम से कम 30-40 मिनट लगते थे, अब वो 8 से 10 मिनट में रेंडर हो जाते हैं, तो स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि एसडी और नॉर्मल हार्ड डिस्क जो मैग्नेटिक बेस थी डिफरेंस क्या है। तो आज के डेट में अगर आपको सिस्टम फास्ट चाहिए या ज़्यादा तेज टेक्नोलॉजी में आपको डेटा सेव करना है तो आपकी हार्ड डिस्क या कोई भी चीज़ उसकी जगह मेमोरी में तेज रफ्तार में डेटा सेव होगा, क्योंकि इसमें चिप के फॉर्मेट में डेटा होता है। तो ये आज के कुछ सवाल हैं, ये देखने में तो 8 हैं लेकिन कम से कम मैंने आपको 20-25 सवाल इसके अंदर छोटे छोटे करके ऐड कर दिए। इसके बाद जो इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक्स में दे दूंगा, आप लोग उसे डाउनलोड कर लीजिए और अपकमिंग वीडियोज़ में हम लोग उसको प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं, तो इसी के डिस्क्रिप्शंस में आपको ये मिल जाएंगे। और साथ ही साथ थैंक्स कहना चाहेंगे उन सारे व्यूअर्स का जिन्होंने क्वेश्चंस नोट किए और भेजे। एक स्कैंडल भी आपको बता दूं जो छोटा सा है, यूट्यूब में आप देख रहे होंगे ट्रिपल सी के देखे देखा है बहुत सारे, क्योंकि यूट्यूब में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ओ लेवल के तो क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं कि लास्ट ईयर्स कौन से पेपर्स आए, किस मंथ के कौन से आए, बच्चों को आइडिया रहता है, लेकिन ट्रिपल सी के कोई भी पेपर्स पिछले नहीं मिलेंगे। तो मैंने देखा बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे भी आ गए हैं जो कि सिर्फ चैनल को प्रमोट करने के लिए ज़बरदस्ती अपने बनाए हुए क्वेश्चंस ऐड कर रहे हैं। उन्होंने लिख दिया ये है जुलाई के पेपर जो आए थे, ये है 15 सवाल, ये है 30 सवाल जो जुलाई में आए थे, और जब मैंने वो क्वेश्चंस चेक किए तो मैंने देखा कि ये क्वेश्चंस तो कोई थे ही नहीं, उन्होंने अपने अजम्पशन से 20-30 सवाल छांटे और लगा दिए और उसका एक प्रॉपर वीडियो बनाया, और अच्छा खासा बच्चे पढ़ भी रहे हैं। तो आप लोग ऐसा ना करें, पहले प्रॉपर फीडबैक देखें, आप लोग कमेंट्स देखें, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम्स दिया है या आपने एग्ज़ाम्स किसी से पहले फॉलो किया है तो वही देखें। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है और वो है तुक्काबाजी। चलिए आखिरी में जाते हुए ये भी बता दें, एक वीडियो देखिए उसमें तुक्का बहुत अच्छा दिया था उसने, 100 क्वेश्चंस आते हैं आपके पास ट्रिपल सी में, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों के 100 क्वेश्चंस में उसने बताया कि 50 क्वेश्चंस जो है, मेरे को बड़ा मज़ा आया देखने में वीडियो, 50 क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स होंगे और 50 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव होंगे जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है भाई, लगभग ऐसा ही होता है लेकिन 60-40 के आसपास भी रेशियो चला जाता है। उसने कहा 50 के 50 ट्रू कर दीजिए, तो 50 के 50 अगर आप ट्रू लगा देंगे तो उसने कहा 25 सही हो जाएंगे, ठीक है भाई 25 सही हो गए उसके, मतलब उसके लॉजिक देखिए कितना बढ़िया बताया उसने। तो 25 सवाल 25 नंबर तो आपको यहीं से मिल गए, 25 यहाँ से मिल गए आपका, तो ये आपको पूरे हो गए। फिर उसने कहा कि इतने तो आप पढ़े लिखे होंगे कि 5 सवाल आप कर ही लेंगे अंडू कट कॉपी पेस्ट वाले, तो ये भी आपको 5 यानी कुल मिला के 30 हो गए, ठीक। उसके बाद अब ये बचे ये वाले 50, उसने कहा 50 में सबको एक पकड़ लो, कोई भी एक पकड़ने का मतलब ए है तो सबके ए लगा दो, तो 50 में अगर सबके ए लगा दोगे तो 15 से 16 तो सही हो ही जाएंगे, तो अगर हम इसके 15 जोड़ लें तो टोटल बताइए कितने हो गए, टोटल अगर देखा जाए तो 5 और 15 20 ये हो गए और 20 होने के बाद 25 ये हो गए, यानी कि 45 क्वेश्चन हो गए, बचे सिर्फ 5 क्वेश्चन, बस 5 क्वेश्चन के लिए आप मेहनत कर लीजिए, 50 क्वेश्चन हो गए, पास हो गए आप, क्या जरूरत है आपको फालतू मेहनत करने और ये सब करने की। उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो बोलते हैं लियो हो गया बेड़ागर। आपको एक्चुअली बता दें ये होशियारी ट्रिपल सी नहीं, कोई भी किसी में भी मत करिए, बिकॉज एग्जामिनर भी जानता है कि जो, और एग्जामिनर्स को आपको बता दें जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते कि हम लोगों ने, आपको क्या लगता है कि ट्रिपल सी में एग्जामिनर वहां बैठ के होता होगा और 100 क्वेश्चंस टाइप करता होगा फिर अपलोड करता होगा, नहीं भाई ऐसे तो फिर चल चुका नीलेट का काम। आपके क्वेश्चन पेपर बनाने का सॉफ्टवेयर इनबिल्ड है कंप्यूटर्स में, क्वेश्चन सिलेक्ट सॉफ्टवेयर से होते हैं, एक आदमी कभी भी किसी भी पैनल में क्वेश्चन तैयार नहीं करता, अगर 100 क्वेश्चंस आने हैं तो कम से कम 2 से 3 हज़ार क्वेश्चंस उस पैनल में डाले जाते हैं,
जो वहाँ के एग्जामिनर्स हैं उनमें वो क्वेश्चंस अलग अलग पैनल से, जैसे आपसे पूछ लिया गया कि 40-50 क्वेश्चन आप बताइए, 40-50 इस तरह बनाइए, तो वो अलग अलग टीचर से पैनल में लिए जाते हैं। वो 2,500 क्वेश्चन जब अलग अलग टीचर से आ गए हैं तो वो सॉफ्टवेयर में डाले जाते हैं, सॉफ्टवेयर उससे रेंडमली जनरेट करता है और उससे वो 100 क्वेश्चन छाट लेता है। और इसका भी ध्यान रखता है कि वो क्वेश्चन पहले वाले सीक्वेंस को ना फॉलो करें, और ये सभी में होता है, आपके भले वो बैंकिंग हो या रेलवे हो या किसी में, नहीं तो आप कभी भी लगातार ऐसे हो तो ऐसे तो लगातार आप पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन रट डालिए, पास हो गए बच्चे, क्यों कोचिंग पढ़ रहे हैं। लेकिन आप कभी भी फील करेंगे तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस वैसे ही मिलेंगे कि ये टॉपिक है इससे जुड़ा हुआ इस तरह क्या है, लेकिन क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जैक्टली रिपीट नहीं होंगे। तुक्काबाजी कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। दूसरी चीज, ओ लेवल में ये काम करता है, क्योंकि ओ लेवल में जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो मैनुअली बनता है, तो ओ लेवल में वो मैनुअल बनने के कारण वो क्वेश्चंस कंप्यूटर जनरेट नहीं करता, इसलिए उसमें क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इसीलिए आपको सजेस्ट करते हैं इस तुक्काबाजी से बचिए और अपने भविष्य को सही दिशा में ले जाइए। थैंक यू वेरी मच।